इंश्योरेंस मानी में अमनजन, आज हम बात करेंगे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बारे में, जो कि बिग बाज़ार एक इनका ब्रांड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी फ्यूचर रिटेल को नोड मिला है गौरव CCI का, कि अभी अमेज़ॉन 49% तक हिस्सेदारी फ्यूचर ग्रुप के अंदर ले सकता है। तो उसी के तहत जो है एक अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर भी आया, 341 के ऊपर स्टॉक चल रहा है और 52 वीक लोअर लेवल्स के करीब ही ये स्टॉक चल रहा है। 323 का इसने लो बनाया और अब अमेज़ॉन जो है इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाला है, तो इसका फ़ायदा इस स्टॉक को भी मिलेगा, इस कंपनी को भी मिलेगा, प्लस अमेज़ॉन को भी मिलने वाला है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इस रेट के ऊपर बाय किया जाए। अगर आपको लगता है और नीचे आएगा तो नीचे लीजिए, लेकिन थोड़े थोड़े करके लीजिए, क्योंकि टर्नओवर बढ़ेगा। जो फ्यूचर ग्रुप के प्रोडक्ट्स है वो अमेज़ॉन पे बिकेंगे और जो अमेज़ॉन के ऊपर जो प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं जो फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर्स के अंदर है, तो उनकी जो डिलीवरी है 2 से 3 घंटे के अंदर अमेज़ॉन करेगी और उठाएगी माल फ्यूचर ग्रुप के रिटेल शोरूम से जैसे ही ऑर्डर आता है, तो फास्ट डिलीवरी होने वाली है। तो उसका बेनिफिट जो है दोनों कंपनी को गिरने वाला है, क्योंकि टर्नओवर फ्यूचर ग्रुप का भी बढ़ेगा और अमेज़ॉन का भी बढ़ेगा, और इससे काफ़ी अच्छा जो है फ़ायदा दोनों को होने वाला है। और स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो 333 के करीब ये स्टॉक आया था और अब 341 के करीब चल रहा है। मींस जो लोअर है 323 का वो अभी तक फिर तोड़ नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से एक बाउंस बैक यहाँ से मिलेगा। अगर ये रेट पे भी अगर लेते हैं कुछ स्टॉक, या आपको लगता है नीचे के लेवल पे जाएगा नीचे लेते हैं, लेकिन ये स्टॉक मुझे लगता है 380-400 तक इजीली जो है क्रॉस कर सकता है। थोड़ा भले टाइम लगे 1-2 महीने, लेकिन आपको प्रॉफिट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। और इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2 रुपये का फेस वैल्यू है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो सितंबर क्वार्टर के अंदर 5,393 करोड़ का टोटल टर्नओवर था और लास्ट 2018 में 4,928 और लास्ट क्वार्टर में 5,149 और नेट प्रॉफिट 171 का है और लास्ट 2018 में 175। तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मुझे दिखती है, तो काफ़ी अच्छा एक हो सकता है पोर्टफोलियो के अंदर कुछ स्टॉक्स लिया जाए। आपको अगर लगता है तो आप भी अपना रिसर्च ज़रूर करिए, लेकिन एक अच्छा वक्त यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि मार्केट इतना नीचे है फिर भी ये स्टॉक 2 रुपये प्लस में अब आया है, 344-342 के ऊपर चल रहा है। तो 333 का आज का लो था, तो नीचे जाकर भी इसने एक अच्छा बाउंस बैक किया, आप आज का चार्ट देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा टाइम इस स्टॉक को लेने का आया है। तो आप देखिएगा, भले हो सकता है 10 शेयर अभी ले लें, थोड़े स्टॉक बाद में और अगर आपको लगता है नीचे आएगा उस टाइम लीजिए, लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखकर आप भी इजीली देख सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए या लॉन्गर टर्म के लिए। लॉन्गर तो जाने दीजिए, अगर यहाँ से अगर 400-425 भी स्टॉक आता है धीरे 1-2 महीने में, तो भी यहाँ पे आपको इजीली 20% का प्रॉफिट होता है। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।